बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ खास दुआओं के बारे में बताऊंगी। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले। हर दुआ पढ़ने से पहले हमें बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब हर काम शुरू करने से पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने से पहले भी यही दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान से बचने के लिए ये दुआ है, औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। खाना खाने के बाद की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सोने से पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु वाहिया। और उठने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वहिले नशूर। फिर हमें फल खाने की ये दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीहि वसमरना। दूध पीने की ये दुआ है, दूध पीने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीहि वज़िदना मिन्हु आमीन शुक्र अल्लाह। वॉशरूम जाने के से पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खुबाइस। और वॉशरूम से बाहर आने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, गुफरान का। सीढ़ियाँ चढ़ने की ये दुआ है, अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ उतरने की ये दुआ है, सुभान अल्लाह। इल्मे इज़ाफ़े की अब मैं आपको दुआ बताऊंगी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हमें ये दुआएं हमेशा पढ़नी चाहिए और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। हमें दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।